कई बार हम मूवी के पोस्टर को देखते हैं, एक्सपीरियंस इट इन आईमैक्स, फिल्म्ड फॉर आईमैक्स, दी आईमैक्स 3D एक्सपीरियंस। बट कई व्यूअर्स ने जब ओपेनहाइमर को आईमैक्स में देखा होगा तो कहा होगा इतना भी खास नहीं है, ओवररेटेड है। इस डेडलाइन को देने से पहले ये सुन लो कि आज तक कोई भी फिल्म फुल्ली आईमैक्स के लिए बनी ही नहीं है, और जिन थिएटर्स को हम जानते हैं वो एक्चुअली में रियल आईमैक्स नहीं है, इसीलिए उन्हें लाइमैक्स भी कहा जाता है। तो आखिरकार रियल आईमैक्स मूवी और रियल आईमैक्स थिएटर क्या है, आओ इस सवाल को इस वीडियो के जरिए ढूंढते हैं। IMAX को समझने के लिए पहले हमें उसकी हिस्ट्री समझनी होगी कि इसे आखिरकार बनाया क्यों गया था। 60s तक सिनेमा और सिनेमा हॉल पूरे वर्ल्ड में फैल चुके थे। चार दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये जो स्टैंडर्ड स्क्रीन है इसे अगर बड़ा कर दिया जाए, वो भी इतना बड़ा कि पूरे थिएटर में सिर्फ स्क्रीन ही नजर आए, तो क्या होगा। और तब इन्वेंशन हुआ मैक्सिमम इमेज, शॉर्ट फॉर्म आईमैक्स का। शुरुआत में इन लोगों ने आईमैक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जो अपने कैमरे से इन लोगों ने बनाई थी, क्योंकि जो मूवीज बनती थी वो स्टैंडर्ड स्क्रीन के फॉर्मेट को ध्यान में रखकर बनाई जा रही। और 2003 में ये लोग एक सिस्टम लाए, डिजिटल रिमास्टरिंग, आईमैक्स DMR। और इस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद में जो कमर्शियल फिल्में थी वो आईमैक्स में लगना शुरू हो गई, क्योंकि आईमैक्स के CEO को समझ में आ गया था कि डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाकर हम पैसा नहीं कमा सकते, इसीलिए प्रॉफिट को कमाने के लिए उन्हें हॉलीवुड की फिल्म्स को लगाना जरूरी है। और इस सिस्टम में क्या होता था कि जो स्टैंडर्ड स्क्रीन की फिल्में थी, यानी कि जो 35 mm में शूट हुई है, उन्हें 70 mm में दिखाना था, 70 mm में दिखाने के लिए इन्हें DMR की जरूरत पड़ी। DMR की मदद से फिल्म को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता था और वो फिल्म आईमैक्स फिल्म बन जाती थी। अपने जो फर्स्ट दो फिल्में आईमैक्स ने की थी वो थी द मैट्रिक्स रीलोडेड एंड रिवोल्यूशन। स्टैंडर्ड स्क्रीन की फिल्मों को आईमैक्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आईमैक्स की ही जिम्मेदारी है। अब स्टैंडर्ड स्क्रीन किसे कहते हैं वो तो मैं पहले बता देता हूँ। तो देखो, जो हम PVR INOX की स्क्रीन्स देखते हैं इन्हें स्टैंडर्ड स्क्रीन कहा जाता है, और ऑलमोस्ट जितनी भी फिल्में आईमैक्स में लगती है वो ऐसे ही बनाई जाती है। कभी भी अगर आप पोस्टर पर देखो RR एक्सपीरियंस इट इन आईमैक्स तो समझ जाना कि ये शूट स्टैंडर्ड लेवल पर हुई है, रिलीज ही आईमैक्स में हो रही है। और बहुत सी मार्वल की फिल्में कुछ इसी तरीके से रिलीज करी जाती हो। बट सवाल फिर वही आता है कि भाई ये जो क्रिस्टोफर नॉलन अपने हाथ में लेकर खड़ा है ये क्या है, बताता हूँ। बट उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो अगर यहाँ तक का वीडियो देखा है तो फिर से मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ 2004 में, जब आईमैक्स डॉक्यूमेंट्रीज दिखाता था और उन डॉक्यूमेंट्रीज को देखा क्रिस्टोफर नॉलन ने। क्रिस्टोफर नॉलन ने सोचा कि यार ये लोग अपने ही कैमरे से इन डॉक्यूमेंट्रीज को शूट करते हो, इतने बड़े पर्दे पर दिखाते, तो क्यों ना इन्हीं के कैमरे से मैं अपनी फिल्म को शूट करूं और इनके थिएटर में दिखाऊं। और 2 घंटे 32 मिनट की द डार्क नाइट को कम्प्लीटली आईमैक्स कैमरे से शूट करना चाहते थे, बट ये पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि आईमैक्स के कैमरेज में अपनी खुद की प्रॉब्लम्स थी, और उन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से लोग अपनी फिल्म को आईमैक्स कैमरे से शूट नहीं करते। प्रॉब्लम नंबर 1, फिल्म। तो ये जो है जो पहले के समय हम देखते थे इन्हें फिल्म्स कहा था, फिर इनको रिप्लेस करने के लिए आया डिजिटल जो कंप्यूटर में ऑपरेट होता है, और आईमैक्स अपने कैमरे के अंदर फिल्म बनाता है। इसी के कंपैरिजन में जो डिजिटल कैमरेज होते हैं उनमें एक्चुअली ये होता है कि आप कंटिन्यू कितना भी शूट कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। बट आईमैक्स के कैमरे में टाइम लिमिट थी, जो ये फिल्म लगाई जाती थी वो 3 मिनट के बाद में पूरी भरा जाती थी, फिर उस फिल्म को निकाला जाता था कैमरे को खोल के और दोबारा उसमें दूसरी फिल्म लगाई जाती थी। एक्चुअली में मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल के इस बुर्ज खलीफा सीन को इन्होंने आईमैक्स से शूट किया था, और एक कैमरा उन्होंने हेलीकॉप्टर के अंदर रखा था, वो 3 मिनट का शूट करता, फिर हेलीकॉप्टर को अपनी लैंडिंग जगह पे जाना पड़ता, वहां लैंड करते कैमरे को खोलते उसके अंदर फिर से दूसरी फिल्म लगाते, टेक ऑफ करते और वापस लोकेशन के ऊपर आते, तब तक टॉम क्रूज भैया बुर्ज खलीफा के बाहर लटके हुए रहते थे। दूसरी प्रॉब्लम आती है पोस्ट। 3 मिनट की क्लिप को शूट करने के लिए प्रोडक्शन हाउस को $1,000 देने पड़ते। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपने एक मूवी बनाई है जिसकी क्लिप आपको 5 घंटे की है, उसमें से 2 घंटे आप कट कर दोगे, और जो रीटेक आपने लिए हैं वो भी अराउंड 5 से 6 घंटे के, यानी कि टोटल आपने 10 से 12 घंटे का शूट किया है, और आईमैक्स के लिए ये बहुत ही महंगा है। बट कई सारे स्टूडियोज हाई क्वालिटी की उम्मीद में इस कॉस्ट को भी पे करने को तैयार है। बट फिर आ जाती है तीसरी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, साउंड।
जैसे ही आईमैक्स कैमरा स्टार्ट होता है उसका साउंड इतना तेज आता है कि एक्टर्स के वर्ड्स को तुम सुन ही नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए क्रिस्टोफर नॉलन जब डार्क नाइट के सेट के ऊपर स्टेवरे को लेकर आए तब उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, बोले जो एक्टर्स लोग कह रहे हैं उसे मैं नॉर्मल कैमरे से शूट कर लूंगा, आईमैक्स के कैमरे से मैं वो पार्ट शूट करूंगा जिसमें डायलॉग ना हो या फिर आउटडोर लोकेशन। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आईमैक्स में और नॉर्मल कैमरे में कितना डिफरेंस होता है, तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आईमैक्स कैमरा अभी के समय पे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करने वाला कैमरा है। यानी कि अगर एरी 6K क्वालिटी देता है, जबकि एरी सबसे कमाल का ब्रांड है, अगर ये 6K क्वालिटी दे रहा है तो आईमैक्स का कैमरा 18K की क्वालिटी देता है। डिफरेंस तुम समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा बड़ा है। इसीलिए क्रिस्टोफर नॉलन अपनी फिल्म के अंदर आईमैक्स को यूज करना चाहते थे। अब कई सारे व्यूअर्स के दिमाग में ये सवाल उठा होगा कि आईमैक्स के कैमरे से कौन सा पार्ट शूट हुआ है और नॉर्मल कैमरे से कौन सा पार्ट शूट। उसका आंसर तुम्हें फिल्म के अंदर ही मिल जाता है। अगर तुमने कभी डार्क नाइट ट्रिलॉजी की ब्लू रे देखी है, उस ब्लू रे के अंदर फिल्म नॉर्मली चल रही है क्रॉप वर्जन में और सडनली स्क्रीन फुल हो जाती है, उसके बाद में फिर से वो नॉर्मल हो जाती है। इस चीज को अगर कभी तुमने नोटिस करा हो तो ये जो फुल वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है आईमैक्स स्टैंडर्ड कैमरा। तो कहने का मतलब ये है कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से फिल्म के कुछ मिनट्स को आईमैक्स कैमरे से शूट किया जाता है। जैसे कि डार्क नाइट 28 मिनट की शूट हुई है, इंटरस्टेलर 66 मिनट की, टेनेंट 75 मिनट्स की, डंकर्क 79 मिनट्स की, और एग्जैक्ट ओपेनहाइमर का टाइम तो नहीं पता बट वो 70% आईमैक्स कैमरे से शूट हुई है। तो सिर्फ क्रिस्टोफर नॉलन ही नहीं है ऐसे जो आईमैक्स कैमरे से शूट करते हैं, और भी कई सारे डायरेक्टर्स आते हैं। जैसे जैक स्नाइडर ने 25 मिनट की एक्शन सीक्वेंस को अपनी बैटमैन वी सुपरमैन शूट किया, नो टाइम टू डाई 30 मिनट्स का शूट किया गया है, बट आईमैक्स कैमरे से शूट हुई फिल्मों को आप उंगलियों पर गिन सकते हो, वो इतनी लिमिटेड। अगली बार अगर कभी भी मूवी देखने जा रहे हो तो पोस्टर पे ये मत देखो, ये देखो। तो अब तक अपन ने बात करी फेक वर्सेस रियल आईमैक्स मूवी के बारे में, अब अपन बात करने वाले फेक वर्सेस रियल आईमैक्स थिएटर के ऊपर। तो देखिए जो आईमैक्स होता है वो अपनी फिल्म को हॉरिजॉन्टली चलाता है, यानी कि जो लाइंस होती है ऊपर और नीचे होती है, बट अगर स्टैंडर्ड स्क्रीन की तरफ जाए तो वो वर्टिकल चलाती है। इनकी जो लाइंस होती है ये साइड में। अब इन लाइंस को क्या कहा जाता है वो इम्पोर्टेंट है, और ये जो छेद है ना इन्हें कहा जाता है परफोरेशन। जो स्टैंडर्ड स्क्रीन होती है उनके अंदर सिर्फ 4 परफ होते हैं, बट इसी के कंपैरिजन में अगर आप आईमैक्स की तरफ जाओगे तो वहां पे 15 परफ होते हैं। स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ये बहुत ही बड़ा होता है, और बड़ा होने के लिए ही इसे हॉरिजॉन्टली रखा जाता है ताकि व्यूअर्स को प्रॉपर देखने का मौका मिल सके विद डिटेल। फॉर एग्जाम्पल ड्रून का ये सीन स्टैंडर्ड स्क्रीन पर आप इस चीज को नहीं पकड़ पाओगे, बट डेफिनेटली आप आईमैक्स में से पकड़ लोगे कि हाँ स्क्रीन पर कुछ चल रहा है। तो जल्दी से टेक्निकल बातें कर लेते हैं। आपकी जो आईमैक्स स्क्रीन होती है वो नीचे से ऊपर तक टच होती है, उनकी सीट ऊपर होती है, और जो प्रोजेक्टर होता है वहां पे 2 प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन कर्व होती है तो 2 प्रोजेक्टर पूरी स्क्रीन को कवर कर लेते हैं। अंदर जो साउंड सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है PPS पे, प्रोपोर्शनल पॉइंट सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट रो में बैठा उसे भी वही साउंड सुनाई देगा जो लास्ट रो वाले को सुनाई देता है, क्योंकि जो स्पीकर्स होते हैं वो स्क्रीन के पीछे अंदर के साइड लगे हुए होते हैं, एक ऑडिटोरियम के ऊपर लगे होते हैं, पीछे लगे होते हैं, ऐसे करके वो 12 ऑडियो चैनल्स लगाते हैं। अब ये 12 कितना बड़ा, इसे कंपैरिजन अगर तुम अपने खुद के घर से करोगे तो जो तुम्हारी टीवी होती है उसमें 2 ऑडियो चैनल होते हैं, और जो स्टैंडर्ड स्क्रीन होती है वहां पे 6 ऑडियो चैनल्स होते हैं। डॉल्बी के आने के बाद में कोई लोग कंफर्म करते हैं कि 8 ऑडियो चैनल हो गए हैं, बट हर कोई थिएटर अभी अपग्रेड हुआ नहीं, इसलिए 6 ऑडियो चैनल होते हैं। अब 6 के कंपैरिजन में जो 12 ऑडियो है इसका तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आईमैक्स में कितना कमाल का साउंड होगा, और डेफिनेटली जिन्होंने ओपेनहाइमर आईमैक्स में देखी उन्हें पता है कि साउंड कितना तगड़ा आता है। अब ये मैंने थोड़ा सा आपको आईमैक्स थिएटर के अंदर की बता दिया। अब अपन टाइप्स पे आते हैं कि कितने टाइप के आईमैक्स थिएटर होते हैं। तो सबसे पहले आता है आईमैक्स ड्रून, गोल आकार में होता है और इसकी स्क्रीन आपके सर के ऊपर भी होती है, यानी पिक्चर्स आप यहाँ पे भी चल रही होती है। बट ड्रून आईमैक्स थिएटर हमारे इंडिया में नहीं है, इवन वर्ल्ड की सिर्फ 4 कंट्री के पास में ड्रून आईमैक्स थिएटर है। 5 थिएटर US के पास में है, 4 थिएटर चाइना के पास में है, 1 फ्रांस में है और 1 जर्मनी। और अगर बात करूं मैं इंडिया की तो इंडिया में PVR ने आईमैक्स से टीम अप कर रखा है, और PVR आईमैक्स जैसे वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, बट एक्चुअली में अगर अंदर जाओगे आप
तो आईमैक्स के अंदर कौन सा वर्जन आपको देखने को मिलेगा? तो आपको सिर्फ दो स्पेशली देखने को मिलते हैं। पहला होता है आईमैक्स डुअल ज़ेनॉन 3D और दूसरा होता है आईमैक्स लेजर। अब दोनों में क्या फर्क है? जो ज़ेनॉन होता है वो एक्चुअली में ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करता है। ज़ेनॉन आर्क लैंप प्रोजेक्टर के अंदर लगाया जाता है और जो आईमैक्स लेजर होता है वहां पे लेजर यूज करी जाती है अपडेट टेक्नोलॉजी के साथ में, और इसी लेजर की वजह से ये सेम पिक्चर आपको और ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर ग्रेडिंग के साथ में देखने को मिलती है, यानी कि लेजर के अंदर आप अपग्रेडेड वर्जन देख। बट ये दोनों ही IMAX सिंगल प्रोजेक्टर यूज करते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि IMAX रियर के अंदर दो प्रोजेक्टर होते हैं, बट इंडिया के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें सिर्फ एक प्रोजेक्टर होता है। और अगर इसके स्क्रीन रेशो की मैं बात करूँ तो वो होता है 1.90:1, और ये रेशो रियल IMAX रेशो नहीं, क्योंकि जो रियल IMAX रेशो होता है वो होता है 1.43:1। इसके अंदर जो क्रिस्टोफर नॉलन भैया बनाते हैं वो इस रेशो के अंदर देखनी चाहिए ताकि आपको सब कुछ देखने को मिले। बट ये हमारा जो 1.90 वाला रेशो है इसके अंदर कुछ पोर्शंस को क्रॉप करके दिखाया जाता है, क्योंकि सब कुछ इसमें आ नहीं सकता। और अगर इसी रेशो को आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे तो वहां और छोटा देखने को मिलता है। तो अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो मिडिल IMAX है। और साइड इफेक्ट भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 1.43:1 रेशो इंडिया में नहीं है। आई नो ये दुख की बात है, पर चिंता मत करो, अपने पे ब्लेम कभी मत लो, बाकियों के पास भी नहीं है। मतलब ये जो 1.43:1 रेशो ये सबसे स्पेशल रेशो, और रेयरली ये बड़ी बड़ी कंट्रीज में लिमिटेड जगह देखने को मिलेगा। बट अभी भी मैंने तुम्हें रियल IMAX थिएटर के बारे में नहीं बताया। अब रियल IMAX थिएटर क्या होता है, जहाँ पे 1.43:1 का रेशो भी अवेलेबल होगा और साथ ही साथ दो प्रोजेक्टर अवेलेबल होंगे, और वो प्रोजेक्टर वर्क करते हैं फिल्म में, नॉट डिजिटल। अब फिल्म और डिजिटल के बारे में थोड़ी देर पहले बताया, ये जो चीज लगाई जा रही है इसे ही फिल्म कहा जाता है, और जो रियल IMAX थिएटर होता है वो इसके साथ में वर्क करता है। इसीलिए जो क्रिस्टोफर नॉलन ने टिकटॉक के ऊपर वो वीडियो रिलीज किया था जो इतनी बड़ी प्लेयर देखने को मिली थी, वो फिल्म थी, और क्रिस्टोफर नॉलन इसी के बारे में बात कर रहे थे। और इस फिल्म को तुम बहुत ही कम थिएटर्स के अंदर देख सकते हो। पीछे का रीजन ये है कि दो फिल्म वाले प्रोजेक्टर को कैरी करना बहुत ही एक्सपेंसिव है, और इसी वजह से IMAX ने बीच का रास्ता निकाला था जहाँ पे उसने ये लेजर जब वाली टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था, जो सस्ती थी, जो डिजिटल थी, जिसमें ज्यादा टेक्निकल चीजों की जरूरत ना पड़े। और इन्हीं लेजर वाली टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद में जो IMAX की ब्रांचेस थी वो सब दूर खुल गई, क्योंकि इससे पहले IMAX बहुत ही लिमिटेड था। और अब के टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो 1700 IMAX स्क्रीन है 80 कंट्री और 25 इंडिया के पास। और जो मैंने रियल IMAX के बारे में बताया कि वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, वो कॉस्टली होता है, और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि भारत गरीब नहीं है, भारत के अंदर भी ये वाला IMAX अवेलेबल है 70:30 डिजिटल IMAX प्रोजेक्टर के साथ में, जहाँ पे दो प्रोजेक्टर यूज होता है। इसके लिए तुम्हें जाना होगा गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर IMAX 3D गुजरात साइंस सिटी। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में तुम्हें बताया कि IMAX पहले डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था, और जो ये वाला थिएटर है इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज चलती है 11 मिनट, 25 मिनट या खूब से खूब 30 मिनट के। इससे ज्यादा इसके अंदर कोई कॉमर्शियल फिल्म नहीं लगती, ना ओपनहाइमर ना ड्यून। बट पर्सनली मैं तुम्हें कहूंगा एज अ मूवी गोअर, अगर तुम्हें IMAX का एक्सपीरियंस लेना है तो तुम्हें इस थिएटर में जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3D रियल 3D देखने को मिलता है। तो अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, और कंक्लूजन यही कहता है कि जो IMAX कैमरे से शूट हो रही है उसे आप IMAX थिएटर में देखो। जैसे कि ओपनहाइमर एक ब्रिलियंट फिल्म थी, बट ओपनहाइमर से भी ब्रिलियंट फिल्म आती है ड्यून। जिस तरीके से ओपनहाइमर में अप और डाउन को क्रॉप किया गया था, वैसे ही ड्यून के अंदर पूरी स्टोरी टेलिंग को क्रॉप कर दिया, क्योंकि अगर आप IMAX में ड्यून को देखोगे तो वो एक अलग फिल्म नजर आएगी, और घर पे देखोगे तो एक अलग फिल्म नजर आएगी, क्योंकि उसे क्रॉप करने का तरीका ये था कि कभी वो ऊपर से क्रॉप कर रहे हैं, कभी वो नीचे से क्रॉप कर रहे हैं, तो कभी वो मिडिल से क्रॉप कर रहे हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर उन्हें दिख रहा है वहां से क्रॉप कर रहे हैं उसे। और अगर आप स्टैंडर्ड वर्सेस IMAX की क्लिप को देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा किसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। लाइक ये वाला सीन जो इस फिल्म का पूरा फीलिंग एक्सपीरियंस ही बदल देता है अगर आप इसे IMAX स्क्रीन में देख रहे हो तो। इसीलिए आने वाले समय पे और भी कई सारे डायरेक्टर IMAX की तरफ स्विच करेंगे और अपनी फिल्म को IMAX पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, और लिटरली वो कमाल का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि अभी ठीक तरीके से IMAX इतना ग्रो नहीं हुआ है,
जितना हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसे थोड़ा सा सस्ता और साउंड प्रूफ बनाया जाए। और जिस दिन इसमें पूरे के पूरे आईमैक्स से पूरी फिल्म शूट हो गई, लिटरली वो एक्सपीरियंस अलग ही होने वाला है, और शायद वो एक्सपीरियंस हमें क्रिस्टोफर नोलन होने वाले टाइम में दे दे। तो वीडियो का एंड आ गया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रही गई कि आखिरकार इंडिया में वो कौन सा थिएटर है जिसकी स्क्रीन बड़ी है, जहाँ पे हमें मूवी देखनी चाहिए। तो अगर मैं सबसे बड़ी स्क्रीन के कंपेरिजन में अगर बात करूँ, तो नोएडा का PVR लॉजिक सिटी, और इसकी स्क्रीन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो 71 feet एंड 40 हाइट, एंड बाकियों के कंपैरिजन में ये सबसे बड़ा है। तो बस इसी के साथ मैं करता हूँ अपना वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, ताकि ये चैनल भी ग्रो हो सके।